नमस्ते दोस्तों, कल मेरे एक व्यूवर का मेरे पास कमेंट आया। मुझसे कह रहे थे, सर मुझे आप लैपटॉप के ऊपर मूवी देखना क्या सिखा सकते हैं या गाना सुनना सिखा सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दूं, और वीडियो के माध्यम से बहुत सारे मेरे व्यूवर हैं जिनको नहीं आता है मूवी देखना लैपटॉप पे, गाना सुनना लैपटॉप पे, इस वीडियो को देखने के बाद में वो सीख जाएंगे। अगर आप भी इस कैटेगरी में आते हैं, आपको नहीं आता है ना, पूरे वीडियो के लास्ट तक बने, आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो आपके लाइफ में काम आने वाला। उसके बाद चैनल पहली बार आए हुए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जब भी कोई नया वीडियो बनेगा तो आपके पहुंच जाएगा। और मैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी हूँ, मेरा आईडी है जोगेंद्र ज्ञान, मुझे फॉलो कर लीजिए। आप मुझे चैटिंग करना चाहते हैं तो वहां कर सकते हैं। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, हमारे पास लैपटॉप इस समय है, हो सके आपके पास कंप्यूटर हो, दोनों में तरीका एक ही है कैसे मूवी को प्ले करते हैं अपने लैपटॉप और कंप्यूटर में। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आज के डेट में इंटरनेट का जमाना है और बहुत सारी चीजें इंटरनेट के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती हैं। तो आप चाहें तो अपने लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट करके यूट्यूब के माध्यम से जो फ्री मूवी है उसको आप देख सकते हैं, उसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है ना ये? तो आप सिंपल जो है गूगल के माध्यम से यूट्यूब खोलेंगे, यूट्यूब खोल करके आप उसमें मूवी देख सकते हैं। एक तो ऑप्शन ये हो चुका है, वहां देख सकते हैं। लेकिन क्या होगा, आपको उस बेस में आपको इंटरनेट चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप इंटरनेट से लैपटॉप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और उसके बाद जो है आप मूवी नहीं देख पाएंगे। पहला चीज हो चुका है। सेकेंड चीज बात कर लेता हूँ कि अगर आपको मूवी देखना है तो बहुत सारे ऐसे दुकान आज के मार्केट के अंदर है जो लाइसेंस मूवी की सीडी और डीवीडी बेचते रहते हैं। तो वो क्या करना है, मान लीजिए कोई मूवी आपको ए टू जेड कोई मूवी आपको नाम याद है तो उस मूवी का नाम याद कर लीजिए, और किसी दुकानदार पर जाइए जो कि मूवी की सीडी बेचते हैं, उसे कहिए कि मुझको जो है दिलवाले दुल्हनिया की सीडी चाहिए, ले सकते हैं। मुझे बागवान मूवी की जो अमिताभ बच्चन वाली मूवी चाहिए वो देख सकते हैं। शोले, मतलब बहुत सारे ऐसे जो मूवी जो आपको याद होंगे तो आप मार्केट में जाकर के उनकी डीवीडी और सीडी मिलते हैं लाइसेंस, उसको ला खरीद करके अपने लैपटॉप में, आपके लैपटॉप में डीवीडी सीडी लगा हुआ उसमें प्ले करके आप मूवी को देख सकते हैं। पहला चीज बता रहा हूँ, समझिएगा इसको, ये हो चुका है। सेकंड चीज क्या होता है कि देखिए, जैसे कि ये जो आपका सीडी और डीवीडी है इसकी कैपेसिटी होती है कि एक डीवीडी के अंदर 3 मूवी आएगी, एक सीडी के अंदर 1 मूवी आएगी। कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो है कम पड़ जाता है, और एक बार ये अगर सीडी डीवीडी ले लिया आपने तो उसके ऊपर रीड राइट नहीं हो सकता। अब बहुत सारे लोग जो है डीवीडी और सीडी का प्रयोग नहीं करते हैं, इसका मतलब एक तरह से मार्केट से गायब हो रहा है ये। तो देखना अगर सिंपल तरीके से कि हर लैपटॉप के अंदर ना ये देखेंगे आप, बहुत सारे लैपटॉप के अंदर डीवीडी और सीडी लगाने के लिए जगह दिया रहता है। जैसे कि मैं ये लैपटॉप प्ले कर रहा हूँ, इसका मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ बटन, देखिए डीवीडी और सीडी लगाने का जगह होता है, यहाँ से देख के लगा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लैपटॉप में, बहुत सारे कंप्यूटर के अंदर अब ये सीडी वाला जगह नहीं आ रहा है, तो इसलिए उसको नहीं बता रहे आपको। देखिए सेकेंडरी फिर क्या होता है, सबसे ईजी तरीका आज के डेट में हो चुका है ये पेन ड्राइव। देख रहा ना पेन ड्राइव, क्योंकि पेन ड्राइव जो है कम पैसे के अंदर ज्यादा कैपेसिटी आती है। इसके अंदर आपको 4 GB का पेन ड्राइव मिल जाएगा, इसके अंदर आपको 8 GB मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा, 32 64 मिल जाएगा, और इसके अंदर बहुत सारी मूवी आ जाएगी। मूवी हो गई जैसे कि शादी की मूवी हो गई, मान ली बर्थडे सेलिब्रेशन कोई मूवी हो गया, सिंपल तरीके से इसको लगाएंगे आप अपने कंप्यूटर में और उसको ला के देख सकते हैं। या समझ लीजिए आपके किसी रिलेटिव के पास में उनके लैपटॉप में मूवी रखा हुआ है, तो आप इस पेन ड्राइव को लेते हैं, उनके लैपटॉप में जाते हैं और कहते हैं कि अपने लैपटॉप से आप मुझे मूवी दे दीजिए, तो उस लैपटॉप से मूवी कॉपी करते हैं और फिर ला करके इस पेन ड्राइव में हो जाता है, पेन ड्राइव पे ला करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो मूवी जो आपका रहेगा उनके पास भी पड़ा रहेगा, उसका कॉपी वर्जन जो है आपके पास मिल जाएगा और यहाँ से प्ले कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, ऐसे करके मूवी को हम देखते हैं। देखिए अब बताते हैं आपको क्या होता है। देखिए देखिए लैपटॉप आपने ले लिया, लैपटॉप में ऑन होने के बाद में इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर लोड होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर लोड जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लोड होता है, ऑफिस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा जिसके अंदर लेटर टाइप करने काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है जिसके अंदर फॉर्मूला काम करते हैं। इसी प्रकार से मूवी देखने के लिए ना इसके अंदर सॉफ्टवेयर लोड होते हैं। अगर आपके लैपटॉप में वो सॉफ्टवेयर लोड नहीं होगा तो आप मूवी नहीं देख पाएंगे। समझिए इस बात को, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ इस पेन ड्राइव में मूवी ला दिया और लगा दिया आपके लैपटॉप में चलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, देखिए बहुत सारे आपको मार्केट के अंदर वीडियो कैमरा मिलेंगे, इसको रिकॉर्ड करते देखते हो ना, वीडियो कैमरा हो गया। मोबाइल के अंदर बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं, कोई सस्ता वाला मोबाइल आता है, कोई उससे अच्छा मोबाइल आता है, कोई एप्पल का मोबाइल आता है, देखिए आप है ना। तो हर मोबाइल से अगर आप एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो जो वीडियो बनता है उसका एक फॉर्मूला होता है, मतलब उसका एक एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन मतलब कि जैसे मैं, मेरा नाम जोगेंद्र साहनी है,
आपका नाम ए पांडे होगा, हो सके आपका नाम सी चौबे होगा, कुछ भी नाम हो सकता है ना, तो आपका टाइटल है, तो टाइटल के माध्यम से आपको पहचाना जाता है। सेम उसी प्रकार से लैपटॉप और कंप्यूटर में जो मूवी डालते हैं, कॉपी करते हैं, उसके अंदर उसका एक फॉर्मेट होता है, जैसे बोलते हैं एमपीजीवी फॉर्मेट है ये एवीआई फॉर्मेट है, ये एमओवी फॉर्मेट है, ये तो सबका अलग अलग तरीका हो चलाने के लिए। तो ऐसा नहीं कि कोई भी मूवी किसी फोन से रिकॉर्ड किया लैपटॉप में चल जाएगा, उसका आपको सॉफ्टवेयर चाहिए। कहने का तात्पर्य ये बता रहा हूँ कि आपको सॉफ्टवेयर चाहिए अपने लैपटॉप में मूवी को चलाने के लिए। देखिए, जब भी आप अपने लैपटॉप में अपने कंप्यूटर के अंदर विंडोज लोड करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने विंडोज लोड कर, विंडोज 7 लोड कर लिया, आपने विंडोज 8 लोड कर लिया, विंडोज 10, विंडोज 11 लोड कर लिया, उसी के साथ लोड करते ही बहुत सारे एप्लीकेशन जो कि आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में लोड हो जाते हैं, जैसे इंटरनेट चलाने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर वो ऑटोमेटिक लोड हो जाता है, वैसे मूवी देखने के लिए ना कि आपके लैपटॉप में उस समय विंडो मीडिया प्लेयर इजी तरीके से लोड हो जाता है। और विंडो मीडिया प्लेयर जो है लेटेस्ट वाला, मान लीजिए विंडो 11 लोड करते हैं, विंडो 10 लोड करते हैं, तो बहुत सारे फॉर्मेट जो है जो कि मोबाइल से रिकॉर्ड किया हुआ है, कैमरे से रिकॉर्ड किया हुआ, वो प्ले हो जाता है। लेकिन आपके पास मान लीजिए विंडो 7 लोडेड है, तो उस विंडो मीडिया प्लेयर के ऊपर बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपके बहुत सारे मूवी चलेंगे नहीं चलेंगे। ठीक है, समझ रहे बात को ना, थोड़ा देखिए वो है, लेकिन आप अगर दिमाग लाएंगे तो सिंपल तरीके समझ सकते हैं। तो आपको चाहिए एप्लीकेशन अपने लैपटॉप में कंप्यूटर में प्ले करने के लिए। ठीक है, हमने क्या रखा है, एक बहुत इजी अच्छा सॉफ्टवेयर आता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाता है, इसको बोलते हैं वीएलसी। वीएलसी सॉफ्टवेयर है, उसको हम लोड कर रखें, और आपको लगता है कि वीडियो प्ले करने कौन सा सॉफ्टवेयर है तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वरना विंडो मीडिया प्लेयर आपको हर कंप्यूटर हर लैपटॉप में देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब मान लीजिए कि एक पेन ड्राइव है ये, ठीक है, इसके अंदर मैंने अपने दोस्त के पास गया हूँ, कहा भैया तुम्हारे पास जो मूवी लोडेड है, या तो मेरे भाई का, मतलब उनके भाई का सीडी शादी कैसेट पड़ा हुआ था वो चाहिए मुझे, मैं उसको जाकर के किसी पेन ड्राइव में, दोनों में किसी में इसी में लेते आता हूँ और लाके पेन ड्राइव में कॉपी कर लें। अब देखिए सिंपल तरीके से क्या करना है उसको लगाने के लिए, देखिए यहाँ पे जो कि आपके लैपटॉप में यूएसबी पोर्ट दिया रहता है वहाँ पे सिंपल हम इसको लगा देंगे इसको पेन ड्राइव को, लग जाएगा। तो इसमें समझ लीजिए मूवी एक तरह से है, लगाने के बाद में आप फिर ये देखिए इतने सारे सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं ना, इसके अंदर दिया हुआ है दिस पीसी, और विंडोज 7 लोड होगा तो माय कंप्यूटर होगा, विंडोज एक्सपी होगा माय कंप्यूटर होगा, तो दिस पीसी इसको खोल लीजिए। आप जैसे खोलेंगे, आप खोलने के बाद में देखिए ये जो है ये पेन ड्राइव ऑप्शन आ गया, ठीक है ना, पेन ड्राइव ऑप्शन आ गया, पेन ड्राइव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके अंदर इतनी सारी फाइलें पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी फाइल जो मैं समझ लेता हूँ कि ये वाली फाइल मूवी मेरी है, तो इसको सिंपल मैं कॉपी करके ला करके डेस्कटॉप पे पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी कर लेंगे तो ये पेन ड्राइव यहाँ ही पड़ी रहेगी, मतलब फाइल यहाँ ही पड़ा रहेगा, और आप चाहते हैं अपने जो है इस डेस्कटॉप पे पेस्ट करना तो यहाँ पे ला के इसको सिंपल तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। पहले से लोडेड है तो ये फाइल यहाँ पे आ गया, मूवी आ चुकी है। अब मान लीजिए एक मूवी आने के बाद में तो अलग अलग फॉर्मेट होता है, तो जब भी मूवी आएगा ना तो हमेशा वीएलसी प्लेयर मीडिया प्लेयर में क्लियर कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि मैंने एक मूवी क्लिक किया है, जैसे मेरे शादी का फोटो पुराना वाला, इसको क्लिक कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ऑडियो तो मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि ऑडियो आने से ना वो कॉपीराइट आ जाता है। देखिए ये आपका एक मूवी का सी दिख रहा है, सिंपल तरीके से आप इसको प्ले करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये मूवी चल रहा है। ये ऑडियो लाना चाहे, मैंने ऑडियो बंद कर रखा, ऑडियो लाने के लिए यहाँ से म्यूट हटा देता हूँ, देखिए ठीक है, तो ऑडियो ला सकते हैं यहाँ से। तो इसको चाहते हैं कि आप मिनिमम गाना चलता रहा, इसको हटा, इसको क्लिक कर देंगे तो बंद कर सकते हैं, फिर चाहते हैं मिनिमाइज कर लीजिए इसको। इस तरीके से अपने लैपटॉप में आप जो है ना मतलब मूवीज को देख सकते हैं, गाने को सुन सकते हैं सिंपल तरीके से। मतलब कुल मिलाकर के बता दूं आपको मैं कि आपको चाहिए सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप में आपके कंप्यूटर में, तभी आप मूवी को प्ले कर सकते हैं। ये हो चुका है, मैंने बता दिया है, गूगल पर जाकर इंटरनेट कनेक्टेड है, यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं मूवी। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक फंडा था और बेसिक तरीका था कि मूवी को कहाँ दिखाया कैसे दिखाया, तो विंडो मीडिया प्लेयर हो गया आपका, वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया, वैसे करके बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको मिलेंगे जो कि मैक्स प्लेयर होता है, मोबाइल के ऊपर देखने के लिए आप यूज करते हैं, मैक्स प्लेयर यूज करते हैं ना, वैसे करके आप देख सकते हैं दोस्तों। तो बहुत संक्षिप्त में मैंने बताने का प्रयास किया हुआ है कि लैपटॉप में और कंप्यूटर में मूवी को इस तरह देख सकते हैं। अगर कोई मूवी में प्ले कर दूंगा ना तो मुझे कॉपीराइट लग जाएगा, इसलिए मूवी प्ले कर दिखा रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो आप सिंपल एक्स कर सकते हो। वीडियो आपको काम आया हो, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन मिला हो वीडियो को, तो देखने के बाद में इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बता के लिए क्या अच्छा वीडियो बना सकते हो, वीडियो को शेयर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे किसी एपिसोड में टॉपिक साथ में, तब तक लैपटॉप लोग को नमस्ते दोस्तों।